नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार इस समय कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, अलग बैठा है, तेजी में है, मंदी में है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। स्टॉक के बड़े बड़े निवेशक इस समय इंतजार कर रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट का, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस समय ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस में कुछ बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से बाजार ऊपर नीचे कर सकता है। देखो, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है बीजेपी की विन का, लेकिन सवाल यह बीजेपी कितनी सीट लेके आती है। अब सीटों को लेकर मार्केट पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इन सब के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में बता दूंगा। सीटों को लेकर मार्केट कंफ्यूज है। अगर सीटें हल्की भी कम होती हैं, देखो पहले 400 तक अनुमान चला गया था, फिर 370 पे आया, फिर 300 पे आया, अभी दोबारा 350 करीब का है। अगर सीटें कम होती हैं तो बाजार नेगेटिव रिएक्ट करेगा। आप ये कहोगे कि यार सब कुछ तो ठीक हो गया, फिर बाजार क्यों कर रहा है? क्योंकि बाजार ये जितना सही है उस पर तो ऑलरेडी रैली कर गया है। अमेरिका पता है क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो 2 रेट कट डिस्काउंट कर रहा है। अमेरिका पे कुछ और नहीं है भागने के लिए, वो सोच रहा है रेट कट तो होंगे ही होंगे। अब सितंबर में अगर रेट कट नहीं आया तो अमेरिका टूट जाएगा, समझ रहे हो? तो बाजार ना बहुत स्मार्ट है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है हमेशा हमेशा। जो आपको और हमें चीज बाद में दिखेगी वो बाजार को पहले ही दिख चुकी है, बाजार पहले ही रिएक्ट कर चुका है उस पर। अगर आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखें तो आप देखोगे कि मार्केट में एक चीज, एक कहावत बहुत स्ट्रांग है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। यानी कि जब अफवाह चल रही हो तो खरीद लो, जैसे ही खबर आएगी आपको लगेगा हाँ भाई हो गया, टूट जाएगा शेयर। क्योंकि फिर मार्केट पहले, देखो बड़े लोग पहले ही पैसा बना गए, जब बिल्कुल कमजोर व्यक्ति को दिखा अरे इस वजह से भाग रहा था, अब खरीदो, गया। क्योंकि किसी की जेब से गया किसी की जेब में पहुंचा, यही तो चल रहा है बाजार में अभी। यहां बाजार में कुछ भी हो रहा है, लेकिन 5 ऐसे सेक्टर्स, ऐसी थीम है जो वन साइडेड ऐसे जा रही है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बाजार की वॉलिटिलिटी से, बाजार की गिरावट से, बाजार की तेजी से, बाजार की मंदी से, बाजार के कंसोलिडेशन से, बाजार में जो खबरें चल रही हैं उनसे, जो डेटा आ रहा है उनसे, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस अपने ही लय में चले जा रही है। और ये 5ों चीज में बहुत तंगड़ा पैसा बना है इन्वेस्टर्स का, लेकिन बना उनका है जो लेके बैठे हुए हैं, बना उनका है जो लेके खरीद के होल्ड कर पा रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, मजबूत दिल दिमाग के आदमी हैं। और इस समय उनसे भी ज्यादा जो कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी है जिनके पास है नहीं, बस लेना चाहते हैं, सवाल इतना सा है कि कब लें। अब इसका जवाब किसी पे नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया, भाई सेफ मत खेलो, आप बाय या सेल के लिए बोलो। भाई मैं सेफ नहीं खेल रहा हूं, मैं आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए सोच रहा हूं। मैं कैसे बाय बोल दूं एक ऐसे शेयर के बारे में जो एक हफ्ते में 30%, एक महीने में 70% चल गया है? हाउ, कैसे? है ही नहीं हिम्मत भाई, हिम्मत ही नहीं है। शेयर बाजार रिस्क का खेल है, वो शेयर ऊपर भी चला जाएगा ना, पर उससे पहले एक बार नीचे आ गया तो मेरी और आपकी दोनों की रेल लग जानी है। तो मैं कैसे अपनी ऐसे, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरी वीडियोस पे 5-10 हज़ार व्यू जो आते हैं, मेरे को नहीं पता उनमें से कितने जो इन्वेस्टर हैं वो छोटी टिकट साइज के हैं, कितने बड़ी टिकट साइज के हैं। मेरे को तो किसी का रिस्क प्रोफाइल नहीं पता ना, मेरे को नहीं पता उसका पैसा कितनी मेहनत से आ रहा है, मेरे को क्या पता कि वो बंदा मतलब बहुत ऐसे ही है कि पैसा ही पैसा है, या ऐसा इस पे पैसा ही नहीं है बेचारा, प्लानिंग कर रहा है अपनी, और वो मेरी वीडियो देख के ऐसे रिस्क में चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए और उसके लिए भी। तो मैं बिल्कुल ऐसी चीज नहीं, मैं देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, जब आप पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड के माध्यम से तो वो सेफ प्ले करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहे हैं। आप जब करते हो तो आप पेनी स्टॉक भी खरीद लेते हो, क्योंकि आपको क्या है, आपका अपना पैसा है, चला गया तो आपकी गलती नहीं है, तो आपकी। तो जब हम दूसरे के लिए प्ले करते हैं ना, तो हम से, आप अगर अपने दोस्त का, फैमिली मेंबर का पैसा लगाओगे तो आप कहोगे कि ब्लू चिप शेयर में लगा, आप अपने लिए रिस्क उठा लोगे, ये हमेशा नोटिस करना। तो मैं भी भाई वही काम कर रहा हूं, इसमें आप सेफ समझना चाहते हो सेफ समझो, जो समझना चाहते हो समझो, बट मेरे हिसाब से यही सही है। अब कौन सी 5 ऐसी थीम है जो बिना बात के भागी जा रही है? बिना बात इन द मीन बस भाग रही है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं है। तो पहली जो सबको दिख रही है वो है डिफेंस की। अब डिफेंस में चाहे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तीनों देख रहे हो आप रॉकेट हुए पड़े हैं। डिफेंस में ही शिपिंग में आ जाऊं मैं तो मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, अलग ही तेजी चल रही है इनमें, अलग ही ऑर्डर बुक चल रही है। ठीक है, 2 आपके ये हो गए। तीसरा आपका सबको दिख रहा है रेलवे। बीते कुछ दिनों में अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोनों ने ही कमेंट कर दिया है कि 4 जून के बाद सरकार बन रही है, बाजार सूट करेगा, ये खरीदो वो खरीदो और सरकारी स्टॉक्स फिर चलेंगे। अब रेलवे की बात करें तो ये थोड़ा बहुत करेक्ट हुए थे ऊपर से बजट के बाद, अब ये वापस से लाइफ आई लगा रहे हैं।
और रिजल्ट्स भी उतने ही दमदार है। RVNL देख लो, आपने टीटागढ़ रेल के नंबर देखे, आपने IRFC के नंबर देखे, और आज इरकॉन के भी आ जाएंगे। तो ये सभी दमदार कर रहे हैं, तो ये भी भाग रहे हैं। चौथी बड़ी थीम जो इस समय बाजार में चल रही है वो है मेटल्स। बेस मेटल्स के प्राइसेस में क्या हो गया है, राम जाने। एक कमेंट था कि भाई जब सिल्वर के दाम नीचे आते हैं तो बाजार गिरता है, बट ये कैसे हो रहा है, बाजार भी ऊपर सिल्वर ऊपर। भाई ये किसी को कुछ मत सोचो, लॉजिक आ ही नहीं रहा है। सिल्वर चांदी के दाम ऊपर जा रहे हैं और चांदी बनाने वाली कंपनियों का प्राइस ऊपर जा रहा है। बाजार तो अपनी मूवमेंट दे रहा है, बाकी सिल्वर हो या गोल्ड हो या मेटल हो, कोई भी धातु, सबके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। इसका इंपैक्ट आपको मेटल स्टॉक्स पे दिख रहा है। और लास्ट है FMEG, सबसे ज्यादा भरोसा मुझे इसी पे है, क्योंकि मेटल में कमोडिटी के प्राइस कभी भी टूट सकते हैं, रेलवे की तेजी कभी भी रुक सकती है, डिफेंस की तेजी में भैया इतने दमदार नंबर है, इसको कैसे आप कंटिन्यू कर पाओगे, तो वहां मेरे को दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। शिपिंग स्टॉक्स की बात करें तो बहुत बड़े मल्टीबैगर ऑलरेडी हैं, तो शायद थोड़ा कंसोलिडेशन में चले जाएं। लेकिन FMEG की तो गर्मी हाई लेवल पे हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट ये तो एक इकोनॉमी का हिस्सा हो गई है, तो मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा दमदार है। अब FMEG में क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर पूल जो बीते 5-7 क्वार्टर से खराब नंबर पेश कर रहा है, उसने भी अच्छे नंबर पेश कर दिए इस बार। आप वायर पूल ले लीजिए, आप ले लीजिए मतलब वॉच लिस्ट के बोल रहा हूँ, खरीदने को नहीं। आप पॉलीकैप देख लीजिए, आप हेवल्स देख लीजिए, आप ब्लू स्टार देख लीजिए, आप वोल्टास देख लीजिए, आप KEI इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आप पॉलीकैप देख लीजिए, आप कोई भी FMEG, आप वीगार्ड से लेकर कुछ भी उठा लो, आपको दिखेगा सिर्फ तेजी, सिर्फ तेजी। तो ये कुछ बड़ी थीम चल रही है इस समय बाजार में, जो डिस्कस करना जरूरी थी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि इनमें से कहीं भी कोई स्टॉक है ना, तो जल्दबाजी में मत निकलना, क्योंकि लेने के लिए लंबी कतार है बट ले नहीं पा रहा कोई, और आपके पास है आप बेच के मत चले जाना, पैसा पूरा बना के ही जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।